दोस्तों एक सिचुएशन इमेजिन करिए, एक फुटबॉल के मैच में दो टीम्स सेम नंबर ऑफ गोल स्कोर करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में विनर किसको बोला जाएगा? इस सिचुएशन में बोला जाएगा कि मैच टाई हो गया है और मैच में विनर और लूजर डिसाइड करने के लिए इस टाई को ब्रेक करना पड़ेगा और इस टाई ब्रेकिंग मेथड को बोलते हैं पेनल्टी शूट आउट। पेनल्टी शूट आउट के बेसिस पे फाइनली ये डिसीजन ले लिया जाएगा कि उस मैच का विनर कौन है। आइए सेम सिचुएशन को क्रिकेट में समझते हैं। T20 क्रिकेट आने से पहले 50 ओवर्स के मैच में अगर दो टीम्स बिल्कुल सेम नंबर ऑफ रन स्कोर करती थी तो भी मैच को टाई बोला जाता था, बट उस केस में क्रिकेट में टाई ब्रेक करने का कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं था। न्यूट्रल मैचेस में अगर दो टीम सेम नंबर ऑफ रन स्कोर करती थी तो किसी को भी विनर या लूजर नहीं बोला जाता था, जबकि ICC टूर्नामेंट्स में अगर नॉकआउट मैचेस होते थे तो वहां पर विनर या लूजर डिसाइड करने के लिए रन रेट्स के बेसिस पे या कौन सी टीम ने कम विकेट्स खोके उस लक्ष्य को बराबर किया, कौन सी टीम ने कम नंबर ऑफ बॉल्स पे सेम नंबर ऑफ रन स्कोर कर लिए, ऐसे मेथड्स यूज किए जाते थे। ऑब्वियसली ये कोई फुल प्रूफ मेथड तो था नहीं। दोस्तों जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ती गई, T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई, T20 क्रिकेट को ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग टाई ब्रेकिंग मेथड्स इनोवेट किए गए। T20 क्रिकेट में अगर दो टीम्स बिल्कुल सेम नंबर ऑफ रन्स को स्कोर करती हैं तो वहाँ पे टाई ब्रेकिंग के लिए स्टार्टिंग में बोल आउट मेथड यूज़ किया जाता था, जो कि काफ़ी हद तक पेनल्टी शूटआउट से मिलता जुलता था। यहाँ पे दोनों टीम के तीन तीन प्लेयर्स को ये मौका मिलता था कि वो खाली स्टंप्स पे एम करें और जो टीम सबसे ज़्यादा बार स्टंप्स को हिट करती थी उस टीम को विनर घोषित कर दिया जाता था। इनिशियली तो ये बोल आउट मेथड बहुत पॉपुलर हुआ। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंडिया और पाकिस्तान का लीग मैच टाई हो गया था, यहाँ पे भी विनर और लूजर का डिसीजन लिया गया था इसी बोल आउट मेथड के द्वारा और इंडिया को विनर घोषित किया गया था, और आई थिंक उस बोल आउट की यादें आज भी आपके दिमाग में ताज़ा होंगी। दोस्तों जैसे जैसे T20 क्रिकेट पॉपुलर होने लगा, क्रिकेट एक्सपर्ट्स को लगा कि बोल आउट में कोई क्रिकेटिंग स्किल्स का यूज़ नहीं हो रहा है, तो इस बोल आउट को किसी ऐसे मेथड से रिप्लेस करना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा क्रिकेटिंग स्किल्स यूज़ हो रहे हैं, और फिर पिक्चर में आया सुपर ओवर। सुपर ओवर में जब भी मैच दो टीम्स के बीच में टाई होता है तो दोनों टीम्स को एक एक एक्स्ट्रा ओवर दिए जाते हैं जिसमें अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स दिखा सकते हैं, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग के थ्रू वापस से दूसरी टीम से ज़्यादा रन स्कोर कर सकते हैं और अपने आप को विनर कहलाने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। T20 क्रिकेट की बात हो और बात IPL की ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आइए बात करते हैं दोस्तों कि IPL की हिस्ट्री में पहला सुपर ओवर कब हुआ, किसने फेंका, कौन कौन सी घटनाएं वहां पे हुई, आइए जानते हैं पूरा किस्सा। IPL का पहला सीजन इंडिया में 2008 में हुआ था, जो कि ज़बरदस्त सक्सेसफुल हुआ था। IPL का अगला सीजन शिफ्ट कर दिया गया था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के केप टाउन के न्यूलैंड्स में एक मैच चल रहा था KKR और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। KKR के कैप्टन थे ब्रेंडन मैकलम और राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे लेजेंडरी शेन वॉन। इस मैच में ब्रेंडन मैकलम टॉस जीतते हैं और फील्डिंग करने का फैसला लेते हैं। KKR के पास बड़ी अच्छी बॉलिंग अटैक थी, फास्ट बॉलर्स ईशांत शर्मा और अनुरीत सिंह ने बड़ी अच्छी शुरुआत दिलाई, शुरुआती झटके दिए राजस्थान रॉयल्स को। उसके बाद आ जाते हैं अजंता मेंडिस, जिनको कि उस टाइम पे एक मिस्ट्री स्पिनर भी बोला जाता है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और उस मैच में उन्होंने ग्रीम स्मिथ और यूसुफ पठान का विकेट लिया। राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग में सिर्फ एक ही सितारा था यूसुफ पठान, जिसने 42 रन्स बनाए, जिनके 42 रन्स की मदद से राजस्थान रॉयल्स 150 रन्स किसी न किसी तरीके से पहुंच पाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरती है KKR की टीम, उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रहती है, 3 रन के निजी स्कोर पे कैप्टन ब्रेंडन मैकलम आउट हो जाते हैं, बट जैसा एक्सपेक्टेड था दूसरे छोर से क्रिस गेल अच्छी बैटिंग करते हैं, 41 रन्स वो स्कोर करते हैं। साथ के साथ विवादों में घिरे रहने वाले कप्तान सौरव गांगुली, उन्होंने भी 46 रन्स की बड़ी ही अमेजिंग पारी खेली उस मैच में। क्रिस गेल के आउट होने के बाद भी सौरव गांगुली क्रीज पे डटे रहते हैं, धीरे धीरे करके KKR को लक्ष्य की तरफ लेके चलते हैं। आखिरी ओवर का मैच बचा रहता है, इसी दौरान शेन वॉन निकालते हैं अपना तुरुप का इक्का आजमगढ़ के नए नवेले गेंदबाज कामरान खान के रूप में। कामरान खान एक एक्सेप्शनल लास्ट ओवर फेंकते हैं, लास्ट दो बॉलों पर सिर्फ 2 रन चाहिए होते हैं और सौरव गांगुली स्ट्राइक पे होते हैं। शायद आप में से हम सभी लोग इस बात से अग्री करेंगे कि अगर 2 बॉल्स पे 2 रन चाहिए और सौरव गांगुली जैसा बैट्समैन क्रीज पे है तो जीत KKR की सुनिश्चित हो ही जाती है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं, कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ यहाँ पे। जब सिर्फ 2 बॉल्स पे 2 रन चाहिए थे तो कामरान खान की बॉल पे सौरव गांगुली हो जाते हैं आउट, और सिलसिला ये हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 बॉलों पे 2 रन चाहिए होते हैं, मतलब कि आखिरी बॉल पे अगर 2 रन KKR बना देता तो मैच उसकी झोली में आ जाता। पर दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये होती है कि लास्ट बॉल पे शांत शर्मा 2 रन लेने के चक्कर में हो जाते रन आउट और वो सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही पूरा कर पाते हैं, यानी कि KKR का और राजस्थान रॉयल्स के स्कोर्स हो जाते हैं लेवल, और इस तरीके से IPL हिस्ट्री में पहली बार सुपर ओवर होने की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। इस सुपर ओवर में क्या हुआ आइए जानते हैं। सुपर ओवर में KKR को बल्लेबाजी का आमंत्रण मिलता है, KKR की तरफ से आते हैं विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल, और इस बार भी शेन वॉन ने अपना दांव खेला कामरान खान के ऊपर ही। कामरान खान
आईपीएल हिस्ट्री का पहला सुपर ओवर लेके आगे बढ़ते हैं और उस ओवर में वो टोटल खर्च करते 15 रन, जिसमें से क्रिस गेल ने उनको लगातार 3 चौके भी लगाए थे। तो दोस्तों इस तरीके से कामरान खान आईपीएल हिस्ट्री में पहला सुपर ओवर डालने वाले गेंदबाज बने। कौन सोच सकता है कि आजमगढ़ के एक छोटे से इलाके से आने वाला एक लड़का कभी आईपीएल में पहला सुपर ओवर फेंकेगा। हालांकि अब बात ये भी की जानी चाहिए कि इस मैच में जीता कौन था फाइनली। अब जब राजस्थान रॉयल के बैट्समैन बैटिंग करने आते हैं तो उनके पास टारगेट होता है 16 रन का, यानी कि उनको एक ओवर में 16 रन बनाने हैं। तो जाहिर सी बात है केकेआर भी अपने बेस्ट बॉलर को लगाती फ्रंट पे और इस बार उन्होंने चुना अजंता मेंडिस को। अजंता मेंडिस जब बॉलिंग करने आए तो बैटिंग करने के लिए सामने थे यूसुफ पठान। आखिरकार इस मैच में यूसुफ पठान के ऊपर ही जिम्मेदारी थी किसी न किसी तरीके से राजस्थान रॉयल्स को जिताने की, और यूसुफ पठान ने यह काम बखूबी किया। उन्होंने अजंता मेंडिस के ओवर में सिर्फ 4 बॉलों में 2 छक्के और 1 चौके लगाकर 16 रन का टारगेट फेस कर लिया और इस तरीके से पहला टाई मैच आईपीएल का जो सुपर ओवर में कन्वर्ट हुआ उसमें जीत हुई राजस्थान रॉयल्स की। और सुपर ओवर डालने वाले जो दो गेंदबाज थे उसमें पहले गेंदबाज का नाम कामरान खान था और दूसरे थे अजंता मेंडिस। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें, साथ के साथ क्रिकेट से जुड़े ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विशाल, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।